गाइस वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। आप जुड़े हुए स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के साथ, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। सो सवाल ये उठता है, जैसा कि कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, व्हाट शुड बी द कट ऑफ ऑफ डीबीटी जेआरएफ। ठीक है, सो अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन दे रहे होंगे और मैं भी अपना ओपिनियन ही रखने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो एग्जैक्टली सही होगा। ठीक है, कट ऑफ जो डिसाइड करेगा वो आपका डिसाइड करने वाला है क्या, दैट इज डीबीटी। ठीक है, डीबीटी ऑर्गेनाइज कर रहा है, डीबीटी ही डिसाइड करने वाला। हम सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हो सकता है, एंड एक्यूरेट जरूरी नहीं कि वो 100% एक्यूरेट हो। लेकिन हाँ, जनरली जब हम टीच कर रहे होते हैं या जो लोग इस फील्ड में हो रहे होते हैं, तो पेपर के लेवल को देख के, बच्चों से इंटरेक्ट करके, हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन या वो एक आइडिया लग जाता है कि हाँ कट ऑफ क्या होना चाहिए। ठीक है, सो अलग अलग अनुमान के साथ, अलग अलग चीज़ों के साथ, जितना मेरे पास डेटा और जितना इंफॉर्मेशन आया है बच्चों का और लोगों के साथ, तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो है इस बार जितने भी इयर्स के डीबीटी हुए हैं उन सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, चाहे आप प्रीवियस ईयर जाके देख लिए, 160, 181 लास्ट ईयर गया था, फिर उसके अलावा जो थे वो चीजें चल रही थी। प्रॉब्लम यह है कि न्यूमेरिकल चीजों को कम किया गया और कंसेप्चुअल है बेसिक चीजों को ज्यादा उठाया गया है और भर पूर मात्रा में बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। और कट ऑफ जो जाने के चांसेस है, मेरी जो नॉलेज के अकॉर्डिंग या मेरी जो एक्सपीरियंस एंड प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग, 195 प्लस जो है वो कट ऑफ जाएगा। मोस्टली जो है 195 प्लस या 200 प्लस भी शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 से 150 बच्चे जो है मेरे खुद के पढ़ाए हुए लोगों का ऑलमोस्ट डेटा है मेरे पास, जो कि ऑलमोस्ट 200 प्लस के आसपास है। ठीक है, तो ऐसे कई अलग अलग कोचिंग्स, कई अलग अलग प्लेटफॉर्म के बच्चे होंगे जिन्होंने 200 प्लस स्कोर किया होगा, तो कट ऑफ इस बार हाई जाने वाला है, क्योंकि पेपर वॉज ईजी एंड कई लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो कट ऑफ जो है वो हाई जाने वाला है। मेरा जो अनुमान है 195 से 200 के बीच में ये जो कट ऑफ जो है इस बार का जाएगा, जिस हिसाब से मेरे पास डेटा और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जो लोग भी अपने आप को 210 प्लस में हैं, वो लोग अपने आप को ऑलमोस्ट सेफ समझें। बाकी अगर हम उसके अलावा जो बाउंड्री लाइन पे हैं, 180 से लेके 200 के आसपास आप लोग बाउंड्री लाइन पे हैं, आप लोगों के लिए मैं यही उम्मीद करूंगा, होप फॉर द बेस्ट एंड आपको ढेर सारी विशेष भगवान ही करे या जो डीबीटी यही करे कि आप लोगों का जो है डीबीटी क्लियर हो जाए। बाकी जो लोग नीचे आ गए या जो लोग ऐसा है कि 160 है या 150 है और उससे या उससे भी नीचे हैं, तो आप लोग हताश मत होइए, घबराइए नहीं, आप लोग लग जाइए CSIR के लिए, कि आपको ये मौका ना रहे कि यार DBT खराब हुआ या DBT में कुछ गलतियां करी तो वही CSIR में रिपीट करने। आपके पास अभी भी 1 महीना या उससे ज़्यादा है, क्योंकि ICMR ने अपना डेट जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। तो आप लोग क्या करेंगे कि नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग का क्या करना है, करना ये है कि अभी से लग जाना है CSIR के लिए। जिन जो लोग अच्छा किए हैं वो लोग अपना आराम से आगे भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहें, क्योंकि सिर्फ एग्जाम क्लियर के लिए इसका ये मत, अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, तो क्लियर करने का मतलब ये है कि रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप श्योर शॉर्ट सर्टिफाइड होंगे कि आप क्लियर हैं या नहीं क्लियर हैं। इसके अलावा जो है कि आप अभी से CSIR के लिए लग जाइए, चाहे आप 250 प्लस लाए हों चाहे 150 प्लस लाए हों, क्योंकि CSIR अगर आप करते हैं तो उसके अलावा DBT का जो रेंज है यूनिवर्सिटी का और CSIR का रेंज जो है वो थोड़ा सा CSIR प्रेफरेबल एंड ज़्यादा है। CSIR करने के बाद CSIR लैब से लेके IIT से लेके कई जगह पे जा सकते हैं, DBT का रेंज हर जगह प्रेफरेबल नहीं होता, तो ध्यान रखे रहिएगा CSIR इज मोर प्रेफरेबल। सो लग जाइए CSIR के लिए, अभी भी मौका है। एंड DBT का कट ऑफ एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट 195 to 200 फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर द कैटेगरी 1। ठीक है, बाकी रिस्पेक्टिवली में आप उसी तरीके से देख सकते हैं कि बाकी के लिए क्या जाने वाला है, क्या नहीं जाने वाला है। इन कैटेगरी 2 के लिए ऑलमोस्ट 180 या 185 जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फ्रॉम माई साइड, माई ओपिनियन, एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर योर DBT JRF रिजल्ट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। Dream is to clear the CSIR NET Life Science. I will bring your dream into reality. With my 4-year experience, smart hacks, smart strategies and smart approach, I will make you fall in love with all the 13 units. My courses are the best combination of smart hacks and the standard books. I am Viren Singh. Join me and my batch and individual courses on an Academy Plus platform and crack the CSIR confidently and smartly. Use the referral code Viren or Viren Life to get the 10% discount. Let's crack it.